सारी मुश्किलें हो चुकी है खत्म। यहाँ पर अब परी और राजीव ने मिलकर किया है अपना तीज का व्रत पूरा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं सीरियल परिणीति के बारे में। तो दोस्तों, परी और राजीव ने मिलकर दिलजीत के गलत इरादों को तो मार ही दिया है, लेकिन साथ साथ दिलजीत को उसके काले कर्मों की सजा भी दिलवा दी है। और उसके बाद जब परी की सच्चाई आ जाती है राजीव के सामने, तब राजीव कहता है कि अब मैं और तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता हूँ, अब हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर परी कहती है कि अभी मुझे मॉम से बात करनी होगी, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं ऐसे उसे आधे रास्ते पर छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ। तो दोस्तों बता दे अभी कि अंबिका देवी जो है वो अभी शहर से बाहर गई है, लेकिन फिर भी परी ने रखा है राजीव के लिए तीज का व्रत। और यहाँ पर परी जाती है राजीव के घर अपना तीज का व्रत पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नीति ने एक बार फिर से चली है परी के खिलाफ बहुत ही बड़ी चाल। तो दोस्तों, क्या राजीव और परी अपना तीज का व्रत पूरा कर पाएंगे, या फिर एक बार फिर से नीति होगी अपने गंदे इरादों में कामयाब?